जय बापू, ओम बापू नंदा। आप सदा बापू विद्यानाथ जी के जन्मदिन की सारी संगत को लाख लाख बधाई। बापू गुरदास राम जी का जीवन प्रसंग चल रहा है, बहुत सुंदर। बापू गुरदास राम जी का जन्म संतों के द्वारा, संतों के आशीर्वाद से कितने बड़े चमत्कार फलस्वरूप हुआ। कैसे उन्होंने उनके पिताजी को आम दिए तोड़ के पेड़ से, और जब वो आम दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि पहला आम जो है ये बापू जी के दरबार में सेवा करेगा, और उसी के फलस्वरूप दो पुत्र रत्न उनके हुए, लुब्बा राम जी को, और उनमें से बड़े थे बापू गुरदास राम जी। तो गुरदास राम जी जब बड़े हुए उन्होंने खूब तपस्या की। बापू शुद्धाराम जी महाराज जी उनको बहुत प्यार करते थे, बड़ा स्नेह उनके साथ रखते थे। बापू गुरदास राम जी अपने माता पिता की सेवा भी बड़े मन और प्राण से करते थे। जिस समय इनके पिताजी मृत्यु शैया पे थे तो बापू गुरदास राम जी अपने हाथों से अपने पिताजी के शरीर की मालिश करते थे, उनको स्नान कराते थे, उनके नाखून काट कर उनको साफ कपड़े पहनाते थे अपने पिताजी को, और पूरी देखभाल करते थे। और हर समय वो ये चाहते थे कि मेरे पिताजी का मन खुश रहे, और हंसी मजाक भी करते थे अपने पिताजी के साथ, और कभी कभी उनकी आंखों में बड़े आंसू आ जाते थे अपने पिताजी को जब वो देखते थे ऐसे। तो ऐसे माता पिता धन्य है, और धन्य है ऐसी संतान जो इतनी सेवा करती थी। इतना कर्तव्य पालन बापू गुरदास राम जी में था। इस समय 1947 में, सन 1947 में ये भारत विभाजन चल रहा था, भारत पाकिस्तान का नहीं। तो उस समय तो बड़े दंगे फैले हुए थे चारों तरफ। वो हिंदू लोग जितने थे वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आ रहे थे, और बड़ी विकट परिस्थिति थी, बड़ी भयंकर परिस्थिति थी। तो उस समय में भी बापू गुरदास राम जी के ऊपर एक उत्तरदायित्व आया, और उन्होंने उसको निभाने के लिए अपनी जान संकट में डाल दी। हुआ ये कि उस समय बड़ी कोई जरूरी फाइलें थी, सरकारी फाइलें और दस्तावेज थे, उनको भी भारत में भेजा जा रहा था। तो जो गुरदास राम जी के दफ्तर का एक कर्मचारी था, ज्यादातर जितने कर्मचारी थे सारे भारत आ गए थे, सारा माहौल ऐसा बना हुआ था। तो वो जो बापू गुरदास राम जी थे वो भी पाकिस्तान में ही थे। अब वो सारी जरूरी फाइलें, चाबियां, सारे दस्तावेज जब तक उन्होंने अपने अधिकारी को सौंप नहीं दिए, उनको सौंपे, और वो गए कैसे, वो रेलवे स्टेशन की तरफ से जा रहे थे उधर, तो साइकिल पे जा रहे थे बापू गुरदास राम जी महाराज जी। तो रास्ते में उनकी साइकिल पे एक पेट्रोल बम जो था वो पीछे से आके लगा बापू जी की, और वो फट गया। साइकिल का जो टायर था वो भी फट गया, उनकी टांग पर भी चोट लगी, बापू जी की पैर घायल हो गया उनका। लेकिन फिर भी बापू जी जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने जब तक अपना, कोई और होता तो डर जाता, कोई साधारण मनुष्य होता डर के वही फाइलें छोड़ देता कि जब मेरे ऑफिस के सारे कर्मचारी चले गए भारत तो मैं भी जाऊं वापिस। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जब तक वो सारी फाइलें दस्तावेज चाबियां अपने अधिकारी को नहीं दे दी तब तक वो भारत के लिए रवाना नहीं हुए। ऐसी विकट परिस्थिति में भी उन्होंने अपना उत्तरदायित्व पूरा संभाला, और ऐसा ही उत्तरदायित्व बापूजी ने अपनी पत्नी और अपनी संतानों के लिए निभाया। अपने कर्तव्य का पूरी तरह से उन्होंने पालन किया। उनकी चार बेटियां थी, रमेश शर्मा, रवि कांता शर्मा, रमा शर्मा और रूपा शर्मा। चारों बेटियों को अपनी बड़ी अच्छी शिक्षा दिलवाई बापू जी ने, बड़े सुसंस्कारी परिवारों में उनका विवाह किया। जो उनकी बड़ी बेटी थी रमेश शर्मा, बापू श्रद्धा राम जी के आशीर्वाद से फरवरी 1964 में भारत की पहली महिला प्रोबेशनरी ऑफिसर बनी उनकी बड़ी बेटी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जो तो गुरदास राम जी महाराज जी पूर्ण संत थे, वो इतने कष्ट सहते थे,
लेकिन वो कभी भी फिर भी किसी की सहायता से पीछे नहीं हटते थे। हर समय उनके मन में यही भाव रहता था कि जो भी कोई व्यक्ति उनके पास आता, किसी के ऊपर कोई संकट होता, उनसे याचना करता तो वो वहीं पहुंच जाते। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है ऐसे संत के बारे में, कही ये लाइनें, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना, निज परिता द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संतों का हृदय है ना वो मक्खन के समान होता है, लेकिन जो कवि संत हृदय है वो, कवि जो होता है ना वो आकलन नहीं कर सकता कि संत का हृदय कितना कोमल है। मक्खन तो तब पिघलता है जब उसको ताप मिलता है, टेम्परेचर पे वो रखा जाता है तो वो पिघलता है, लेकिन जो संत है उनके हृदय तो दूसरों के कष्ट से पिघल जाते हैं। तो ऐसे संत थे बापू गुरदास राम जी महाराज जी, उनका हृदय इतना कोमल था कि उनकी कोमलता का था पाना असंभव है, असंभव। इतने दृष्टांत, इतने उदाहरण, ऐसी ऐसी महिमा बापू गुरदास राम जी की आती है जो उनकी करुणा को दर्शाती है। पाकिस्तान बनने के समय की बात है कि गुरदास राम जी, बापू गुरदास राम जी भारत आने वाले थे, तो उनके दफ्तर में सारे कर्मचारियों को तनख्वाह दे दी गई। अब भारत आने की तैयारी में थे सब, सबने अपना अपना पैसा ले लिया। तो एक उनके साथ का जो कर्मचारी था वो बापू जी के पास आया, बड़ी मिन्नतें करने लगा, कहने लगा कि मेरी ना बेटी की शादी है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, और आपको तो अभी अभी तनख्वाह मिली है, आप मुझे पैसे दे दो, अब जब आप भारत वापस जाओगे मैं भी आपको वहीं मिलूंगा, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। बापू जी का तो दिल पसीज गया। अब बापू जी ने अपनी जो सारी तनख्वाह उन्हें उस दिन मिली थी जिससे उन्होंने भारत वापस आना था, खर्चा चलाना था, वो सारी तनख्वाह उन्होंने उस सहकर्मी को दे दी जो उनके साथ काम करता था। वो वापिस आए, वो सहकर्मी भी वापिस आया। जब वो भारत वापिस आया तो उसको अमृतसर में नौकरी मिल गई, लेकिन अभी बापू गुरदास राम जी को नौकरी नहीं मिली थी, तो बापू जी को पैसे की जरूरत पड़ी। तो वो उस व्यक्ति के पास जिसको पैसे दिए थे बेटी की शादी के लिए, उसके पास पैसे मांगने गए। तो पहले तो वो व्यक्ति टालता रहा, फिर बाद में बापू गुरदास राम जी को बुला के कहने लगा कि चलो आप ना मेरे घर आना और घर आके अपने पैसे ले जाना। अब बापू जी पैसे लेने गए तो बड़ा उसने आग्रह किया कि अरे नहीं, खाना खा के जाना, खाना खा के जाना। तो खाना खिलाने से पहले उस व्यक्ति ने खाने में जहर मिला दिया था। खाना खाते ही बापू जी की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। अब उनको आयुर्वेद का ज्ञान था जो उन्होंने अपने पिता से सीखा था, तो उस ज्ञान से उन्हें ये पता चला कि खाने में कुछ मिलाया हुआ है। वो तुरंत वहां से कुछ कहे बिना खड़े हुए और बाहर हलवाई की दुकान में गए, वहां पे पानी में उन्होंने बहुत सारा नमक डाला और उसको पिया पानी को, ताकि उनका पेट साफ हो जाए। और फिर उनकी जब थोड़ी देर बाद तबीयत उनकी संभली, फिर वो घर वापिस आ गए और उस आदमी से फिर दोबारा कभी नहीं मिले। समय बीता, बापू जी की अब सर्विस लग गई। बापू जी की सर्विस लगी पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में, बापू जी को नौकरी मिली। अब हुआ ये, वही व्यक्ति, वही सहकर्मी आज बापू जी के पास पहुंच गया, क्योंकि उसको अपनी नौकरी में पदोन्नति के जो उसके कागज थे वो वहां पहुंचे हुए थे। संजोग की बात देखो, उसी व्यक्ति के जिसने खाने में जहर मिलाया था उसकी पदोन्नति के कागज आज बापू जी के पास आए हुए हैं। और जब वो व्यक्ति मिला बापू गुरदास राम जी से, तो बापू जी ने गुस्सा नहीं किया, उसका बड़ा स्वागत किया। तो जो परिवार वाले थे बापू जी के, उन्होंने जिक्र किया कि वही व्यक्ति आया था। परिवार वालों को तो बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा भाई हम ऐसे बंदे को नहीं बुलाएंगे। उसको रात को रुकना था वहां पे, रात को रुक के अगले दिन अपना काम करा के जाना था। तो परिवार वाले बापू जी के बड़ा गुस्से हुए कि हम इस व्यक्ति को नहीं रुकने देंगे, इसने तो आपके साथ ऐसे ऐसे किया था। तो बापू जी ने उन्हें समझाया, कहा कि कोई किसी के साथ बुरा नहीं करता ना कर सकता है, ये तो विधि का विधान है, ये तो अपने कर्म है, और हम सबको परिवार वालों को कर्म का फल देने का कोई अधिकार नहीं है। फल देने का अधिकार तो भगवान का है, अपना अपना कार्य करो और जो भगवान ने निश्चित किया है वो होगा।
ये हमारा अतिथि है और इसकी सेवा करना हमारा धर्म है। ये बात बापूजी ने अपने परिवार वालों को समझाई। अब वो मान गए परिवार वाले बापूजी की बात सुन के। उन्होंने रात को उस व्यक्ति को घर पे रखा, सुबह बढ़िया नाश्ता करवाया, फिर अपने ऑफिस लेके गए। सारा कार्य बापूजी ने उसका कराया, उसे बस पे चढ़ाया और फिर वापस लौट आए। जो व्यक्ति तुच्छ धन के लिए बापूजी के प्राण लेना चाहता था, ऐसे व्यक्ति को न केवल क्षमा दान किया बल्कि उसके साथ सद्व्यवहार किया, अपना फर्ज निभाया, अपने परिवार वालों को प्रेरित किया। तो ऐसे गुण, ऐसे लक्षण बताते हैं कि ये ईश्वर तत्व से पूर्ण थे बापूजी। उद्वेग, दुख, विषाद, क्रोध, भय से परे थे बापूजी, बापू गुरदास राम जी। ईश्वर तुल्य आचरण था बापूजी का। सारे भक्तों को हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपना अपकार करने वाले मनुष्य को क्षमा करें, हम क्रोध ना करें, हमारे अंदर बदले की भावना ना हो। और ये प्रेरणा हमें बापूजी देते हैं। ये बहुत बड़ी सीख हमें बापूजी से मिलती है कि जो हमारा बुरा करता है, अगर हम उस व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं तो क्षमा करने से वो व्यक्ति, क्षमा करने वाला व्यक्ति और भी महान हो जाता है। तो ऐसे बापूजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, शत शत नमन। बापूजी के जीवन से हमें सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। बापूजी के जन्म दिवस पर दोबारा से सारी संगत को लख लख बधाई। जय बापूजी।